देश की 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें से करीब 12 राज्यों से 41 राज्यसभा सीटों पर जो तमाम उम्मीदवार तमाम राजनीतिक दलों के द्वारा उतारे गए थे वे निर्विरोध चुने जाते हैं। लेकिन उसके बाद बचते हैं 3 राज्य की 15 राज्यसभा सीटें, जिसमें 10 सीटें उत्तर प्रदेश से हैं, उसके बाद 4 सीटें कर्नाटक से और शेष 1 सीट आती है हिमाचल प्रदेश से। ऐसे में तीनों ही राज्यों की शेष 15 राज्यसभा सीटों पर मतदान जारी है और सबसे पैनी नजर है समय देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर। 10 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है और 10 सीटों के लिए दोनों मुख्य दल समाजवादी पार्टी और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उनकी संख्या बनती है 11। 8 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी पेश कर चुकी है और 3 उम्मीदवार सपा पेश कर चुकी है। अगर गणित लगाया जाए पूरा यहां पर राज्यसभा के लिए अपने उम्मीदवार को एक सांसद के तौर पर राज्यसभा के तौर पर पहचान दिलाने के लिए तो 37 वोट 37 विधायकों का समर्थन एक उम्मीदवार को कम से कम चाहिए राज्यसभा सांसद के तौर पर अपनी पहचान बनाने के लिए। ऐसे में समाजवादी पार्टी जिसके पास वर्तमान में यूपी विधानसभा में 111 खुद के विधायक है और साथ में अन्य सहयोगी दलों का समर्थन है, तो वो यहां पर सीधे तौर पर 3 राज्यसभा सांसद अपनी ओर से भेजती नजर आ रही थी। लेकिन अब यहां पर खेल शुरू होता है पाला बदलने का। इस बीच सोमवार को अखिलेश यादव अपनी पार्टी के तमाम विधायक और सहयोगी दलों के विधायकों की एक डिनर मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में कई सहयोगी दल के विधायक साथ ही साथ अपनी खुद की पार्टी के करीब 8 विधायक नहीं पहुंचते। इस बीच खबर ये भी रहती है कि अपना दल कमेरा वादी की मुखिया और सिराथू से सपा के टिकट पर विधायक पल्लवी पटेल से जब अखिलेश फोन पर बातचीत करते हैं तो बात इस हद तक आ जाती है कि अखिलेश को ये कहना पड़ जाता है कि आप अपना वोट अपने पास रखिए, हमें जरूरत नहीं है। इस ही पूरे मुद्दे पर अब बात होगी, आखिर बात जरूरी है। नमस्कार, SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। अमन जी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर के। अमन जी, जिस तरीके से 3 राज्य हैं और सबसे ज्यादा पैनी नजर सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश पर बनी हुई है, लेकिन जो पाला बदलने का खेल है उसकी खबरें 3-4 दिन पहले ही आनी शुरू हो गई थी। ऐसे में जो 8वां बीजेपी का राज्यसभा सांसद है या सपा का 3रा सांसद है, कोई एक ही यहाँ पर चुना जाएगा, इसमें किसकी संभावना लग रही है, क्योंकि दोनों ही तरफ यहाँ पर स्थिति पूरी डामाडोल नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल अक्षय, शुरुआत में ये लग जरूर रहा था कि जो अखिलेश यादव हैं समाजवादी पार्टी है वो किसी तरह से अपना 3रा जो उम्मीदवार है उसको जिता लेंगे, लेकिन अब जो पासा पलटा है वो ये बताता है कि अखिलेश यादव अभी राजनीति में उतने परिपक्व नहीं हैं कि बीजेपी को यहाँ पर मात दे पाए, क्योंकि जो पूरे का पूरा खेल खुलकर सामने आया उसमें ये लगा कि जो विपक्षी दल जैसे कि राजा भैया की पार्टी की बात चल रही थी, जयंत के तमाम विधायकों की बात चल रही थी कि वो अपने खेमे में उनको मिलाते हुए नजर आएंगे, लेकिन जिस तरह की खबरें निकल कर सामने आई हैं उससे ये लगा कि दूसरा कुनबा तो छोड़िए, अखिलेश यादव को अपना ही परिवार बचाने में यानी कि अपनी ही पार्टी के जो विधायक हैं उनको अपने साथ रखने में बड़ी भारी दिक्कत हो रही है। और कम से कम अगर आंकड़ों पे गौर करें जो खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि 10 से 15 विधायक जो हैं उन्होंने पूरी तरह से पाला बदलने का मन बना लिया है, कई विधायकों के इस्तीफे की खबरें भी सामने आ रही हैं, तो कई खुलकर जो है अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि जो अखिलेश यादव ये कह रहे थे कि भाई जो इंडी गठबंधन के जरिए हमने उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक तरीके से ताकत बनाई है, जो अपनी इमेज बनाई है, उसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। लेकिन अक्षय एक बार फिर बीजेपी ने जिस तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर तमाम समीकरणों को अपने पक्ष में किया है, उससे ये आप मानकर चलिए कि उनका जो 8वां जो सांसद राज्यसभा का है वो लगभग चुनाव यहाँ पर तय माना जा रहा है, क्योंकि ये उन्होंने स्पष्ट किया है कि अखिलेश यादव अपने कुनबे को बचा नहीं पा रहे और इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। आखिर क्यों उनके विधायक डिनर पार्टी में जो है वो नहीं आते, ये उनकी प्रॉब्लम है, उनके विधायक हमारे खेमे में आते हैं क्यों आते हैं ये उनकी प्रॉब्लम है, हर बार वो बीजेपी को दोष नहीं दे सकते। तो फिलहाल पूरे मिला जुला कर अगर आपसे देखा जाए यूपी की जो राजनीति उसको परखा जाए समझा जाए तो नज़र ये आता है कि अखिलेश यादव ने जिस तरह का समीकरण अपने लिए सेट किया था उसमें कहीं ना कहीं वो फेल होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर वो फेल होते हैं 3रा सांसद उनका नहीं जीत पाता तो इसका असर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि
अगर 10 से 15 विधायक उनके हाथ से चले जाते हैं तो उनका आंकड़ा भी 100 से घटकर 90-95 के आसपास का रह जाएगा। ये उनके लिए मेरे ख्याल से हताशा की बात जरूर होने वाली है, क्योंकि उनके तमाम सारे विधायक जितने भी नेता हैं वो कस्में खाते हैं कि भाई हम अखिलेश यादव के साथ हैं। मैं एक वीडियो का जिक्र देख रहा था, उसका जिक्र करना चाहूंगा, उसमें पत्रकार पूछ रहे हैं राकेश जो उनके विधायक हैं कि भाई आप सपा के टिकट पर चुनाव जीतते हो लेकिन बीजेपी के खेमे में जाकर आप जो है वोट करते हुए दिखाई पड़ रहे हो, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? स्पष्ट कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो राम विरोधी हो गए, इसलिए अब जो हमारा मन है वो सपा से उठ गया। तो ऐसे तमाम सारे बयान जो आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरह से राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने पूरा माहौल तैयार किया, अब लोकसभा चुनाव से पहले उसका असर देखने को मिल रहा है, और सबसे पहले असर मेरे ख्याल से राज्यसभा चुनाव जिस तरह से आज खत्म हो रहे हैं उसमें देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, यहाँ पर असर देखने को मिलने वाला है क्योंकि आम चुनाव लगभग देश की दहलीज पर दस्तक दे चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े देश के सबसे बड़े राज्य के लिए 10 राज्यसभा सीटों पर नामांकन होना, उसके बाद यहाँ पर सांसद चुनी जाएंगे राज्यसभा के लिए, वे ऐसे में जो पाला बदलने की स्थिति है अमन जी, वो केवल यहाँ सपा की ओर नजर नहीं आ रही। अगर हम बीजेपी की तरफ यहाँ रुख करें या एनडीए गठबंधन की ओर रुख करें, 8वां जो राज्यसभा सांसद एनडीए से जाएगा उसके लिए भी कम से कम 296 मत उन्हें चाहिए। अब 296 का जो संख्या बल है वो तो एनडीए भी हासिल करता नजर नहीं आ रहा। साथ ही साथ खबरें यहां पर एनडीए बीजेपी के विधायकों को भी पाला बदलने की है, तो उससे तो बीजेपी की भी डामाडोल नजर आ रही है। देखिए देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है, महत्वपूर्ण बात कही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है अक्षय, बिल्कुल आपकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। देखिए, जाहिर बात है कि अब तक बीजेपी तमाम तरह के ऐसे काम करती रही है कि भाई इसके विधायक तोड़ो, उस पार्टी को तोड़ो, इसके अपने खेमे में करो, उसको बुलाकर अपनी पार्टी में शामिल कराओ, लेकिन क्या ऐसा समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि अगर उनके में नजर डालें तो पल्लवी लगातार उनसे नाराज दिखाई पड़ी है, और जो खबरें हैं कि भाई उनसे फोन पर भी काफी गहमागहमी की खबरें हैं कि बातचीत हुई है। इसके अलावा अगर जो संभावना के तौर पर आप देख रहे हैं कि चाहे आप ओबी राजभर की बात करें, जयंत की आप बात करें, दोनों ही दलों की बात करें, तो अगर उनके विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की यहां पर अक्षय, तो ये बात आप जरूर मानकर चलिए कि यहां पर बीजेपी की प्रॉब्लम जरूर बढ़ सकती है। और जो अखिलेश यादव ये बात कहते हुए अब तक नजर आ रहे थे कि जो बेईमान है, गद्दार है, उनको पार्टी जाना चाहिए, तो उनकी जगह पर ये जो दूसरे खेमे के विधायक है ये लेते हुए नजर आएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी को मेरे ख्याल से करारा एक जवाब मिलेगा कि जहां पर वो दूसरे विधायकों को तोड़ती हुई दिखाई पड़ती है, वहीं उसके विधायक जो है दूसरे के खेमे में जाकर बैठते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो ये फिलहाल अभी जो लड़ाई है, अभी इसको ये नहीं कहा जा सकता कि पूरी तौर पर बीजेपी जीत गई, लेकिन हाँ, जो आंकड़े गवाह बता आप आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं वो ये गवाही जरूर दे रहे हैं कि बीजेपी का पक्ष अब मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव अगर अंदर खाने में कोई सकते हैं कि इसमें जो कह सकते हैं रणनीति अपनी बनाने में सफल हो पाए, तमाम लोग अपने साथ लेकर आने में सफल हो पाए, तो आप ये बात मानकर चलिए कि उनका तीसरा जो सदस्य अगर वो जीत जाता है तो यहाँ पर बीजेपी की एक मानसिक जो कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक जो हार है वो होती हुई यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत करीब है। और ऐसे में अखिलेश यादव ये कहेंगे कि लाख प्रयास के बावजूद, लाख तरीके आजमाने के बावजूद भी जो बीजेपी है वो राज्यसभा में जो तीसरा उम्मीदवार था सपा का, उसको रोकने में नाकाम साबित हुई। बिल्कुल, यहाँ पर नाकाम साबित हुई। असल में जिस तरीके से बात चल रही है, और मुख्य दल अगर हम देखें तो सपा और भाजपा के बाद अगर नजर आते हैं तो वह सहयोगी दल, सहयोगी दल ही वो है यहाँ पर जो बीजेपी को 8वां या कहें सपा को तीसरा उनका उम्मीदवार राज्यसभा के लिए भेजने में मदद करेंगे। बात करें अगर हम यहाँ पर रालोद की, जयंत चौधरी के पास 9 विधायक है, अगर वे सीधा समर्थन सपा का कर देते हैं, अखिलेश का कर देते हैं, तो अखिलेश को 111 या उससे ज्यादा मत मिल जाएंगे, तीसरा उम्मीदवार उनका जो है जीत हासिल कर पाएगा। क्या ऐसे में ये भी चीज देखने को मिल सके कि जयंत ने जो है इंडिया से दूरी बना ली है और एनडीए की तरफ पूरी तरह से अपना जो कदम है वो नहीं बढ़ाए हैं? ऐसे में जयंत को लेकर जो खबरें थी कि उनके कुछ विधायक उनसे नाराज चल रहे हैं, क्या ये चीज देखने को मिल सकती है कि जयंत चौधरी के कुछ करीब 4-5 विधायक जो नाराज थे वे अखिलेश का समर्थन कर दें? जाहिर बात है, और देखिए ओपी राजभर का भी जिक्र आप कर सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर को आप देखें तो लगातार उनको कह सकते हैं कि वायदों पर वायदे किए जा रहे हैं कि अब आपको मंत्री बनाया जाएगा, अब आपके जो विधायकों को अच्छा पद दिया जाएगा, लेकिन अभी तक भी आप देखें कि लंबा समय हो गया लेकिन ओपी राजभर आज भी इंतजार में बैठे हुए, कोई अहम जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई, मंत्री उनको नहीं बनाया गया। वहीं 3 लोकसभा सीटों की बात करते हुए नजर आते हैं और बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई भी स्टैंड इसके ऊपर नहीं लिया गया। वहीं जयंत की बात करें तो जाहिर बात है कि आपने भी बहुत सारे फुटेज देखे होंगे कि जब अलीगढ़ और तमाम जगह पर जब राहुल गांधी पहुंचते हैं अपनी न्याय यात्रा को लेकर, तो वहां पर जो लोक दल के लोग हैं वो झंडे लिए वहां पर नजर आते हैं। ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि भले ही जयंत चौधरी जो है बीजेपी की तरफ जाने को आतुर हों, लेकिन जो उनके लोग हैं, जो उनके तमाम सारे सदस्य हैं पार्टी के, वो बीजेपी में जाने को राजी नहीं है। इसी को लेकर बारंबार ये बात उनसे पूछी जा रही है कि भाई आप औपचारिक ऐलान कब करोगे, कब बताओगे कि हम एनडीए में
शामिल हो रहे हैं तो वो कहते हैं कि अभी ये सही मौका नहीं है। तो आखिर वो मौका कौन सा आने वाला है, क्या वाकई वो अपने कदम वापस खींचने वाले हैं? और बिल्कुल आपने सही कहा कि उनके तमाम सारे विधायक जो हैं, जो लगातार खबरें भी आ रही हैं कि उनसे नाराज चल रहे हैं, और ऐसे में अगर 5-6 विधायक सपा के खेमे की तरफ वोट करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि जो गठबंधन बनने वाला था वो बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा और जयंत चौधरी की वापसी एक बार फिर से सपा में होती हुई नजर आएगी। तो अभी कई सारे समीकरण ऐसे हैं जो वाकई ऐसा लग रहा है कि अखिलेश के पक्ष में आ सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा और क्या वाकई बीजेपी को वो इस तीसरी सीट पर जो लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी के लिए मजबूती का एक आधार बनती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या वो वहां पर सपा को पटखनी दे पाएंगे और क्या सपा अपनी तीसरी सीट जो जीत कर कहीं ना कहीं बीजेपी को ये बताएगी कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लीजिए लेकिन यूपी के अंदर फिलहाल अखिलेश की जो पार्टी है सपा, उसका जो है दबदबा कायम रहने वाला है। तो अभी बहुत सारी माथापच्ची है, बीजेपी 8वीं सीट जीतना चाहती है, 7 लगभग कन्फर्म है उसके पास, सपा जो है 3री जीतना चाहती है, 2 कन्फर्म है उसके पास। तो ये मिला जुला कर जो पोलिटिकल हम देख रहे हैं पूरा माहौल यूपी के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहीं से कह सकते हैं कि बिसात पूरी तरह से जो लोकसभा चुनाव की वो यहाँ पर अब बिछती हुई नजर आ रही है और इसमें क्या सपा और क्या भाजपा कौन बाजी मारेगा इसके ऊपर सबकी निगाहें लगी हुई है। सबकी निगाहें बिल्कुल लगी हुई है कि कौन आखिर बाजी मारेगा और बाजी जो मार लेगा उसका नाम आखिरकार निकल के आएगा मंगलवार, यानी कि आज देर रात तक लगभग स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इस समय जिस तरीके से मतदान जारी है तमाम यहां पर विधायकों के द्वारा, उसके बाद मतगणना शुरू होगी और आखिरकार परिणाम निकल के आएगा कि बीजेपी अपना 8वां उम्मीदवार राज्यसभा में भेजने में कामयाब रही या फिर सपा ने खेला करते हुए अपने तीसरे उम्मीदवार को राज्यसभा भेज दिया। लेकिन आपकी क्या कुछ राय है इस पर, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल कल इस पेशकश में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 न्यूज।